हाय गाइस सो तो दोस्तों कैसे हो आप लोग ये दोस्तों हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है आप लोग देख सकते हैं 100 परसेंट टाइल से लेकर बहुत सारा अमेजिंग रिजल्ट अन अकेडमी के थ्रू हो चुका है एनटीएससी का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है प्रीआरएमओ एनएससी जैसे कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग लीजिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट पिछले दो सालों में अनअकेडमी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो दोस्तों अगर इस रिजल्ट के तरह आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों एक चीज ध्यान रख सकते हैं या तो हम लोगों से YouTube पे पढ़ सकते हैं अगर आप लोग YouTube पे पढ़ते हैं तो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जे ईडी वी मैथ ये वो लिंक है जहां पे आप लोग को हमारे सारे नोट्स मिलते हैं अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करना करते हैं और मतलब मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है प्लीज सबसे पहले ना इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग लो ज्वाइन कर लीजिए एच टी टी पी एस टी डॉट एम ई स्लैश पी जे सर फोर्टी टू टेलीग्राम पर जाके पी जे सर फोर्टी टू पर आप लोग जा सकते हैं ठीक है फिर दोस्तों अगर आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप लोग एक सक्सेस पाना चाहते हैं आई आई जैसे एग्जामिनेशन में फाउंडेशन जैसे एग्जामिनेशन के अंदर तो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे प्रॉपरली क्लासेस हो प्रॉपरली टेस्टिंग हो प्रॉपरली स्टडी मटेरियल मिले प्रॉपरली आपके डाउट्स का डिस्कशन हो और एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हो तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलती है आप लोग मेरे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से प्लस क्लासेस uh, ऑपरेट होती हैं किस तरह से प्लस चलता है एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट अगर आप एक स्टेप अप जाना चाहते हैं हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइंस एक पूरा प्लानर के साथ आप लोग चलना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोर्स प्लानर का जो फीचर है वो आप लोगों को मिलता है दोस्तों इसके अंदर जिसमें आपका पूरा जो कोर्स है वो प्लान कर लिया जाएगा हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इंडिविजुअल एक करिकुलम चाहिए होता है खुद के लिए तो ऐसा चीज़ आप लोगों को मिल सकती है तो अगर गाइज अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग फाउंडेशन का तो ये प्राइसिंग है वन ईयर और टू ईयर की थर्टीन थाउजेंड सेवन ईयर के नाइन्टीन फाउंडेशन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली स्कूल से जस्ट निकले हैं ठीक है मतलब स्कूल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली चीज करना चाहते हैं एनटीएससी चाहता में ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वन ईयर या फिर टू ईयर का पीजे लाइव इज दी कोड जो आप लोग को यूज करना होता है इस प्राइस के अंदर डिस्काउंट आप को मिल जाएगा आप लोग अगर आई आई में, में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो जेई की जो प्राइसिंग है वन ईयर की थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद टू ईयर की फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है अगर आप लोग कंपेरिजन करते हैं किसी भी इवन लोकल इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें जो एक लोकल uh, इंस्टीट्यूट मतलब वो होते हैं जो आपके रीजन में होते हैं जिन्होंने जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं 34,650 जैसी नॉमिनल प्राइसेस के अंदर वन ईयर का 34,650 है 50,400 थाउजेंड अपने आप से बस केवल एक क्वेश्चन पूछिए दोस्तों कि जब हम लोगों को बेस्ट मिल सकता है ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में तो हम लोग नॉट सो बेस्ट के लिए क्यों सेटल करें जस्ट डू आज दिस क्वेश्चन टू यू और अगर गाइज अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए ऑप्ट करते हैं तो बिल्कुल ही फिर तो मतलब आपको एक रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलाने वाला पर्सन भी मिल जाएगा जो आप लोगों को उस रास्ते पे चलाएगा तो वन ईयर का 58,500 होता है आप लोग जानते हैं टू ईयर का 90,000 थाउजेंड पीजे लाइफ कोड आप लोगों को यूज करना होता है इस कोड को हमेशा ध्यान रखें पीजे सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है मेरी जो पूरी टीम है उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको आने के लिए पीजे लाइफ कोड यूज करना होगा स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है होमवर्क चेकिंग एक मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी टीम आप लोगों के लिए करती है हम लोग जूम वीडियो कॉल करके आप का होमवर्क चेक करते हैं आप लोगों की सक्सेस के लिए दिन रात हमारी टीम काम कर रही है दोस्तों गया हूं दोस्तों अब मैं लाइव आ गया हूं दोस्तों, so, दोस्तों प्रौडी जी का एग्जामिनेशन है चौदह पंद्रह अगस्त को आजादी मिल जाएगी आप लोगों को ठीक है एंड गाइज मैंने एक पोल चलाया था अभी ऐसे और एस के लिए ये दो महीने का एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन है दोस्तों जो आप लोगों के लिए जो जेई ट्वेंटी ट्वेंटी हैं ऑल दो आई डोंट नो वाई विल दे सी दिस मैसेज मतलब ये वाला वीडियो जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले क्यों देखेंगे बट फिर भी मेरी जान मैंने मेरे मेरा काम था आप लोगों को बताना मैंने बता दिया ठीक है दोस्तों ये दोस्तोंडमी प्लस अगर अकेडमी आइकॉनिक पे जाते हैं आप लोग तो आप लोग को हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स मिलेंगे सो so, दोस्तों आप लोगों ने केवीपीवाई के क्वेश्चन मेरे साथ करना चालू कर दिया है केवीपीआई एसे और ठीक है है और आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की है दोस्तों कि कुछ चीजें यार बहुत ही सरल है जैसे लिमिट्स के क्वेश्चन हम लोगों ने किए की के अगर मैं बात करूं लिमिट्स के हम लोगों ने क्वेश्चन किए डूएबल है मगर फंक्शंस के किए तो बहुत चमत्कारी है अब आप देखो दोस्तों कि अगर कोई बच्चा बहुत दिमाग लगा के सोचे ना तो केवीपीवाई एसेक्स के अंदर जो फंक्शंस की हालत है ना उसकी बिल्कुल उल्टी हालत जेई के अंदर जेई के अंदर फंक्शन रिलेशन के बड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं मगर केवीआई में उधर डिफिकल्ट आ रहे हैं सो so दोस्तों एक इंटायरली डिफरेंट तरीके से हम लोग यहां पर देखना पड़ेगा हम लोगों को तो चलिए सबसे पहले के वीपीआई ऐसे की हम लोग बात करते हैं ठीक है हाय आदित्यपाल ठीक है यस सो so ये एक एम ए तो थर्ड सेशन होगा बट मैंने एक चीज सोची यार कि भाई जैसे मेरा अगर आप लोगों ने एक वीडियो देख रखा हो मेरा सेवेंटी प्लस वाला बाबरे क्या हो गया ओहो हो। अब ये चलेगा क्या देखना पड़ेगा चल गया सो so, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों सेवेंटी प्लस वाला जो मेरा मेरे वीडियो था मेरा ये ओपिनियन है कि 70 में तो बिल्कुल सेफ हो जाता हो आप टॉप टॉप 250 में आप लोगों के नंबर डेफिनेटली आ जाएंगे राइट सो so, गाइस मैंने एक टारगेट एरिया सोचा हुआ है कि जो मतलब खासकर मैथमेटिक्स के अंदर भाई मैथमेटिक्स के अंदर मैंने ये चीज देखी दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कहां से आएंगे है ना और आप यू विल बी सरप्राइज टू सी दिस तकरीबन आप ये मान के चलो 25 क्वेश्चन में से सात क्वेश्चन ज्योमेट्री के होंगे राइट मतलब हायर साइड ही बोल रहा हूं मैं बट इसमें से दोस्तों पांच जो है ना वो इजी और मीडियम होते हैं अब यहां पे देखो आप लोग इसके जो दो क्वेश्चन है ना वो दोस्तों पूरे मार्केट में घूमते हैं ठीक है एक जनरल ओपिनियन है कि केवीपीवाई ऐसे की ज्योमेट्री बड़ी चमत्कारी होती है बड़ी ही विचित्र होती है बड़ी ही ऐसी होती है जो खत्म कर सकती है मगर पिछले साल का क्वेश्चन है बता दू मैं आप लोगों को बात ये पिछले साल का क्वेश्चन अब आप मुझे बता दो भैया ये एंगल 45 डिग्री है ये वन है ये वन है ये, वन है, ये सेंटर है तो ये लेंथ कितनी होगी अब बता दो मुझे अब बता दो ये क्वेश्चन भी आता है केवीपीआई के अंदर तो केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के भाई मैं मानता हूं कि केवीपीआई ऐसे का पिछले साल का जो पेपर था ना उसका सबसे टफ क्वेश्चन ज्योमेट्री का है मैं मानता हूं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट मानता हूं दोस्तों बट आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन भी तो है ज्योमेट्री के अंदर अगर टफ ज्योमेट्री का है ना तो सिंपलेस भी ज्योमेट्री का ही था तो एक ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है आप समझे ये रूट टू है ठीक है दोस्तों मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना उसको उसी समय बता दिया जाता है कि पाइथागोरस कांस्टेंट रूट टू होता है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड कन्फिग्रेशन है वो ये आती है समझे आप मेरी बात जब बच्चा पैदा होता है तब बता दिया जाता है फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन एक तरह से पूछा के भी मैंने ठीक है तो दोस्तों ये सारी चीजें जानकारी ठीक है तो दिस इज इट गाइज है ना तो ये चीज मैंने बता दी आप लोगों को राइट एक चीज मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं दोस्तों जो मैं भाई देखो आप लोगों को पता है फिजिक्स में शांतनु सर हैं जो फाउंडेशन यहां पे पढ़ाने वाले हैं आई हैव कन्विंसड हिम 25 फाइव टू थर्टी लेक्चर्स के अंदर ही विल कंप्लीट दीज टू बिग चैप्टर्स फॉर यू बस अब आप खुश हो सकते हो टेंथ और इलेवंथ क्लास की टेंथ क्लास के इलेक्ट्रिसिटी और लाइट जो होता है दोस्तों शांतनु सर आपके लिए कंप्लीट करेंगे चमका आपको ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बॉम्ब हिज लाइव फीड जब भी आप लोग उनको लाइव देखें जस्ट बॉम्ब बॉम्ब हिज लाइव फीड ही टोल्ड मी मतलब मैंने उनसे डिस्कशन किया वो बोल रहे कि सर अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो मैं क्यों नहीं करूंगा और मैं आपको बता दूं दो दोस्तों उनके पास अगस्त में कोई और प्लान नहीं है अगस्त में एक तो जेई फाउंडेशन करने वाले हैं वो और वो सोच रहे हैं कि मैं कौन सा एक कोर्स लॉन्च करूं पंद्रह लेक्चर का तो पंद्रह से बीस लेक्चर के दोस्तों अगस्त सितंबर में आप उनसे ये करवा लो मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत ही बढ़िया हो जाएगा जेई का बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल भी देंगे वो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सो so, जब भी आप उनको लाइव देखो ना तो एक ये चीज मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता दी फिजिक्स के लिए फिजिक्स की भाई स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता चुका हूं फिजिक्स में इन दोनों चैप्टर से आप लोगों को बताया तकरीबन आठ से दस क्वेश्चन आएंगे हम देख चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों आठ से दस मैग्नेटिज्म वगैरह सब आ गया ना मैग्नेटिज्म वगैरह सब आ गया इसके अंदर आठ से दस क्वेश्चन इनमें से आएंगे इसका एक बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि देखो यार यू नीड इट राइट यू नीड इट गाइस है ना आपको एक कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स चाहिए वरना ये दोनों चैप्टर चमत्कार है मतलब ऑलमोस्ट पूरी बारहवीं है ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इलेक्ट्रो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ई एम एफ है कितने सारे चैप्टर हैं आप सोच के देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन टीआईआर मतलब दुनिया भर की चीजें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बट जितना के वीपीवाई में आता है ना वो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ एवरीथिंग है सो so, उसके लिए आप लोगों को ये चीज और ए सी भी है ऑल्टरनेटिंग करंट राइट चलिए सो गाइस ये चीज थी ये टेलीग्राम देखो दोस्तों इसकी इससे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना यार के से रिलेटेड आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी अगर अभी भी आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जो लिंक पिन हो रखा है वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और मजे उड़ाइए ठीक है थीके? तो भाई ये चीज हो गया देखो तो पहला टारगेट ये मेरे हिसाब से दोस्तों ज्योमेट्री है अगर आप लोग ज्योमेट्री छोड़ के बैठे हो आप ये मान के चलना कि सिक्सटी मार्क्स के चांसेस आप लोगों के बहुत कम हो जाएंगे परसेंट की अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में अगर हम आप होप कर रहे हो कि आपके 18 नंबर आएंगे मैथमेटिक्स में अगर आप ये होप करके बैठे हो ना आपके 18 नंबर आएंगे मेरे सारे के सारे स्टूडेंट जो पिछले साल सेलेक्ट हुए पांच स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हुए थे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम टू रैंक मतलब जो बिल्कुल मुझसे पढ़े समझ लो फिर इनडायरेक्टली पढ़ने वाले तो बहुत हैं जो बताते नहीं किस है किसी ना किसी कोचिंग में तो आप लोग जानते ही हैं बट जो डायरेक्टली मुझसे पढ़े हैं जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं 228 रैंक 252 रैंक 275 रैंक 326 रैंक 726 रैंक तो उसमें सारे बच्चों के अट्ठारह से ऊपर नंबर थे मैथ्स में ठीक है तो मैथमेटिक्स में दोस्तों अठारह नंबर लाना रिलेटिवली आसान है मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा करें भाई एक क्वेश्चन टफ था उस क्वेश्चन को छोड़ दिया हम लोगों ने एक जो टफ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को छोड़ दिया हम लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये पहली बात है सेकेंड सेकेंड जो कमर्शियल मैथमेटिक्स का एस्पेक्ट होता है ना जिसमें परसेंटेज वगैरह आता है ये दोस्तों हमेशा अगर इसमें टाइम देके सही किया जाए बहुत बढ़िया कर सकता है उसमें टाइम देके सही कर सकते हो उसको आप समझ लो मतलब समय दो इसको बस वर्ड प्रॉब्लम आएगी उस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा पढ़ो और सॉल्व करो इसके अंदर देखो कमर्शियल मैथ के अंदर मैं मेन्जूरेशन के क्वेश्चन भी मान रहा हूं जो एरिया रिलेटेड होता है ना वो भी ऐसा आज तक केवीपीवाई में कोई प्रश्न नहीं आया है एरिया रिलेटेड जो बहुत ज्यादा चमत्कारी हो मतलब जिसको तुम बोलते हो ना कि सर प्रियारे मोले हो ना कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा सारे के सारे एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम एट द मैक्स एन जेएस लेवल होता है एट द मैक्स बोल रहा हूं मैं तो आप अगर केवीपीवाई के पीवाई के, पी करोगे ना मजा आ जाएगा आप लोगों को एरिया रिलेटेड और मैंने एरिया इसमें पता है ज्योमेट्री का जो मेरा क्रैश कोर्स है ना जो केवीपी के लिए है जो अभी चल रहा है जिसकी प्लेलिस्ट बनाने की आप लोग बातचीत करते रहते हो वो देख लो दोस्तों ये चीज मतलब ये आप लोगों के ना टोटल मिला के टोटल मिला के दोस्तों ये दस नंबर का जुगाड़ है पूरा दस नंबर आ जाएगा इससे आपको दस नंबर ला सकते हो आप इसमें से समझे आप मेरी बात क्या आप लोग मेरी बात समझे राइट राइट चलिए ठीक है क्लियर हो गया दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है दोस्तों

जिसमें रिजिड बॉडी डायनामिक्स आ गया रेक्टीलिनियर मोशन आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया सर्कुलर मोशन आ गया एस भी शायद कुछ बच्चे पढ़ लेंगे तब तक तो ये वाला जो चीज़ है ना दोस्तों इसका फटाफट से भाई देखो मैं यार सीधी सी बात यह मानता हूं देखो ये वीडियो मैक्सिमम वो लोग देखते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं जेई की तैयारी कहीं ना कहीं से कर ही रहे होंगे आप जेई की तैयारी करते वक्त आप लोगों ने जो भी जेई का मेटर सॉल्व किया है उस पर भरोसा रखें एक तो और पीवाई क्यूज आप लोग कर लें पीवाई क्यूज का जो जो मतलब टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं और जो बुकलेट भी है वो मतलब जो की उसकी है, वो भी मैंने शेयर कर रखी है अपने टेलीग्राम तो के अब ये चीज है ना दोस्तों टारगेट करनी आपका कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए ठीक है ये तो देखो आप मान के चलो रैंक है ना रैंक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां से डिफाइन हो रही है अभी भाई ये किस बच्चे ने किस लेवल पे कर रखा है अब आप सोच के देखो भाई क्यों जो एन की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे उनकी केवीपीआई में अच्छी रैंक आती है क्योंकि यार उनका क्या है ना एनएससीजीएस के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और लाइट बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका होता है सेकंड स्टेज के लिए अगर किसी ने बच्चे ने एन की तैयारी की हुई है तो उसको पूरा का पूरा लाइट इलेक्ट्रिसिटी यहीं से मिल जाएगा राइट और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ये चीज इंफॉर्मेशन दे दूं कि अभी मैं जैसे मैंने बताया था शांतु सर ये वाला चीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो कोशिश करेंगे यहां पे आप लोगों को छह नंबर दिलवा दें तो यहां पे भी आप लोग का दोस्तों अट्ठारह नंबर का जुगाड़ कुछ होता दिख रहा है मेरे को यह केवीपीआर एस ए की कहानी है ठीक है केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं ना दोस्तों अब यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो से तीन क्वेश्चन तो आएंगे ही ठीक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए डिफिकल्ट पड़ेगी ये फिक्स है ठीक है बट ये आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो दो चैप्टर है ना मोल और इक्विवेलेंट और ये आर तो करते ही होंगे आप लोग सभी बच्चे आर तो करते ही हैं। दुनिया घरती आर तो आर होता है आर मुखर्जी ठीक है अगर आप एन अवस्थी वाली बुक करते हैं तो भी अच्छी बात है तो दोस्तों ओसी वाला जो पार्ट है ना वो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहने वाला है बट बट हैविंग सेट दैट अगर आप इसके अंदर जी और जो नॉमन वाला पार्ट है आई वाला जी ओ सी जिसको बोलते हैं पी वाई देख के अगर आप कर लें तो ये दो से तीन नंबर लाना रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि ओसी का जो पेपर है ना रिलेटिवलीजियर आता है एज पर एक्सपर्ट्स आई डोंट एनी एक्सपोजर इन दटवियस बट जो मैंने सुना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लियर ठीक है भाई सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दे सभी बच्चे वीडियो लाइक करते हैं पहले तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करें दोस्तों सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करने की ठीक है राइट चलो अब देखो दोस्तों बायोलॉजी की बात आती है अब आप लोगों ने यहां पे कितने नंबर जुगाड़ लिए हैं दोस्तों 18 18 18 आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग 54 मार्क्स जुगाड़ चुके हैं ठीक है दोस्तों और इसी सिनेरियो के लिए कहावत गई है इट इज इजी सेट डन ठीक है सर कह तो दिया आपने करेगा कौन करना आपको है ना मेरे काम है आप लोग को रास्ता दिखाना क्या चीज टारगेट करनी है वो बताना तो वो मैंने आप लोगों को टारगेटिंग दे दी है ठीक है राइट ये हो गया एक तो अब अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बायोलॉजी के अंदर दोस्तों जो बच्चे कर रहे हैं भाई इलेवेंथ और टेंथ की एनसीईआरटी टेंथ की तो तुमने पढ़ रखी है इलेवंथ की एनसीईआरटी या फिर उसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लो आप लोग तो टेन नंबर आप टारगेट कर सकते हो टेन नंबर आप टारगेट कर सकते हो एंड दैट इज बायोलॉजी जो चीज है ना दोस्तों इसके तो जितने पीवा की आप लोग कर सकते हो वो करो जो नोट्स मैंने आप लोगों को दे रखे हैं वो कर लो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कुछ चीजें आप लोगों को रिलेट करके याद आ जाएंगी कुछ चीजें थोड़ी सी एनालिटिकल आती हैं तो आप कॉमन सेंस के लिए कर सकते हो जैसे इलनेस से रिलेटेड इस बार जैसे इस साल है ना दोस्तों इलनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो मैं आप लोग को दोस्तों ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तीन चार क्वेश्चन तो देखो दोस्तों पिछले साल मैंने भी कर लिए थे मतलब जितनी मेरी बहुत ही संक्षिप्त नॉलेज है बायोलॉजी की तीन चार क्वेश्चन तो मैंने भी कर लिए थे क्योंकि कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी के अंदर ठीक है तो ये चीज आप लोग को देखनी रहेगी तो ये के है ऐसे की कहानी है राइट क्लियर राइट सर आपके टेलीग्राम पे नोट्स नहीं है बेटा मेरे जो सारे नोट्स हैं ना वो इस देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है बेटा वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है सर जे ट्वेंटी थ्री को कब प्ले मिलेगा पॉज से कल लेक्चर है बेटा जे ट्वेंटी थ्री का जे ट्वेंटी थ्री का कल लेक्चर है ठीक है कल लेक्चर है जे ट्वेंटी थ्री का तो ये केवी पे ऐसे की कहानी हो गई अब एसेक्स के टारगेट एरियाज की हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है एसे के अंदर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं देखो वैसे तो पूरा का पूरा जेई सिलेबस ही है वैसे तो पूरा का पूरा जेई सिलेबस है तो जेई सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है इसके देखो दो रीजन हो गए आप ये मानते हो भाई के वीपीआई सात नवंबर को फिक्स है सीनियर ओलंपियाड जो है ना आपके सीनियर ओलंपियाड आपके अट्ठाईस नवंबर को है अब इकतीस अक्टूबर आप लोग की बैच कंप्लीशन डेट है इकतीस अक्टूबर तक सब बच्चे सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे ये सत्य है ये तो आप लोग मानते ही हो इकतीस अक्टूबर तक तुम्हें सारा सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा तो एसिक्स के अंदर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया हुआ है पी मतलब जो पूरा प्रॉब्लम कि भाई कितने क्वेश्चन -कितने आते हैं वो सब आपको पता ही है तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दोस्तों जो कैलकुलस है ना जैसा वेटेज कैलकुलस का जेई में होता है वैसा ही यहां पर तकरीबन थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट अपन यहां पर टारगेट कर सकते हैं मतलब तकरीबन नौ मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो अब देखो इसमें से है ना नौ में से दो चमत्कारी होगा बिल्कुल चमत्कारी टाइप का क्वेश्चन होगा जो दोस्तों हो सकता है समझने में दिक्कत हो जाए बट क्या मैं ये चीज सही बोल रहा हूं भाई लिमिट्स के अंदर भी जो एक चमत्कारी क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन से हो रहा था ऑप्शन बहुत ही प्यरली डिजाइंड है हैं में ठीक है बहुत पुअरली डिजाइंड ऑप्शन होते हैं दोस्तों जैसे आप लोगों ने और मतलब केवीपीआई में खास बात होती है इस तरह की भाई एक पर्टिकुलर कुछ चीज है फर्स्ट सेकेंड तीन चार कॉन्क्लूजन दे दिए तीन चार कॉन्क्लूजन के बाद ये पूछा वन सही है वन टू सही है वन थ्री सही है तो ये चीज आप लोग को मैंने कल करके बताई थी आप लोग दोस्तों बस एक चीज समझे सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है केवीपीआई एस एक्स की चाहे आप रिकॉर्डेड करें या लाइव करें फॉलो जे एम आर एसएक्स पीवाई क्यू कोर्स ठीक है एसेक्स आपको पता है पीवा जेएमआर होता है जेई मैथ रैंकर्स तो दोस्तों जिस चैनल पे आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे आप लोग जो एसेक्स का कोर्स है वो भी देखें हर ट्यूसडे और थर्सडे को दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पीवाई क्यू सेशन लेके आता हूं फंक्शंस और लिमिट्स हम लोग कर चुके हैं चाहे आप रिकॉर्डेड देखें लाइव देखें आप लोगों की मर्जी है बट एक चीज आप लोग ध्यान रखें जो चीज आप लोग को ध्यान रखनी है वो ये है कि रेगुलरली आप इसको कंप्लीट करें एनालिसिस सुने मेरा एनालिसिस सुने किस तरीके से उस क्वेश्चन को किया जा सकता है दो मिनट में ढाई मिनट में काफी सारे टफ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए उनके ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स भी हम लोगों ने देखी है तो प्लीज डू दैट ये कोर्स रेगुलरली आप लोगों को फॉलो करना है क्लियर क्लियर हाउ टू डाउनलोड टेलीग्राम दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए आप लोग टेलीग्राम पे क्लिक कीजिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम पे डाउनलोड करते ही थोड़ा सा व्हाट्सअप टाइप का फील आएगा स्टार्टिंग में फिर बाद में नहीं आएगा फिर आप उसमें सर्च में एट द रेट प्रशांत जन पी सर फोर्टी सर्च करें और फिर हो सकता है ठीक है चलिए तो ये चीज होगी दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों की आपका मैं ये कह रहा हूं दोस्तों अश्योरिटी से कह सकता हूं मैं अगर आपका जेई एडवांस का सिलेबस कंप्लीट है जेई एडवांस का सिलेबस कंप्लीट है पहला जेई एडवांस की आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है अपनी कोचिंग वगैरह जहां पे भी आप लोग पढ़ते हैं और आपने अगर मेरा ये वाला कोर्स कर लिया आपके 20 मार्क्स तक आप टारगेट कर सकते हो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना दोस्तों पांच नंबर भयंकर चमत्कारी आते हैं अगर आप लोगों ने सारा मैथमेटिक्स चूज किया है ना भाई जैसे इसमें क्या होगा देखो बीस नंबर तो आपको स्टार्टिंग में करने ही है मैथ के ठीक है बीस तो आपको स्टार्टिंग में मैथ के करने ही है क्वेश्चन ठीक है अब लास्ट में अगर आपने मैथमेटिक्स चूज किया तो बीस नंबर का मैथमेटिक्स और हो जाएगा मगर मेरा यह मानना है कि अगर ये चालीस नंबर भी हम लोग देखें ना तो इसमें से इन चालीस में से भाई बीस क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गए जो आप करोगे ही करोगे यहां पे दस क्वेश्चन अगर आप मैथमेटिक्स के चूज करते हो यहां पे दोस्तों सत्रह क्वेश्चन इजी और मीडियम आते हैं यहां पे पांच क्वेश्चन इजी और मीडियम आते हैं तो आप इस लेवल तक जा सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप अटेम्प्ट करते हो बट मैं आप लोगों को दोस्तों बोल रहा हूं कि यहां पर है ना ये सेक्शन टू मैथमेटिक्स बहुत लेंदी आता है तो ज्यादातर जनता है जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट करती है ठीक है तो सेक्शन बी जो है ना बताओ यार कौन मैथमेटिक्स का टीचर ऐसा होगा जो ऐसा बोल रहा है कि भाई ये आप ऑप्ट करें तो सेक्शन बी के अंदर दोस्तों ना पीवाईक्यूज़ क्यूज अगर आप देखेंगे ना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री

ऐसा क्वेश्चन था जिसमें साइन 18 और साइन 54 डिग्री की हो थी। समझ रहा। तो गाइज ये क्वेश्चन तो है। है? तो छोड़ने वाले होते हैं इनको फर्स्ट क्लांस में छोड़ दो फर्स्ट क्लांस में दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ना है क्लियर हो गया क्या क्लियर हो गया क्या आप लोगों को फर्स्ट ग्लांस में आप लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ना है केवी पे ऐसे के लिए दोस्तों मेरा जो गामा कोर्स है जो अभी भी चल रहा है अभी भी मैं प्रीमियर करवा रहा हूं आप लोग देख सकते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों उसको आप लोग आराम से देख सकते हैं क्लियर हो गया ना निखिल कुमार बोल रहे आई एम इन क्लास टेंथ आई एम डूइंग प्रियरमेंट जेई मैथ एंड जेई फिजिक्स एट वेरी स्लो पेस आई एम नॉट एबल टू डू जे केमिस्ट्री ड्यू टू ऑफलाइन क्लासेस टेंथ इज इट ओके यस निखिल कुमार ये सही स्ट्रैटेजी कोई दिक्कत नहीं सर एसेक्स के लिए ज्योमेट्री कैसे करें देखो दोस्तों एसेक्स के लिए जितनी भी ज्योमेट्री है ना वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा ठीक है भाई यहां पे मतलब कुछ लेक्चर्स तो मेरे को थियोरी लेक्चर लेने ही नहीं है तो मोस्टली जो मैं वन शॉट्स लूंगा ना यू पे एस के लिए वो ज्योमेट्री के ही होंगे सो आई विल डू दैट डोंट वरी अबाउट इट राइट ठीक है और इसके अंदर है ना देखो दोस्तों ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर आप टोमेटो वाली बुक करेंगे ना आई एस के जो पी वाई की होती है हाईली एडवांटेजेस ये तो देखो मैं तो मानता हूं आजकल तो जे एडवांस के लिए भी करनी चाहिए मैं तो बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं दोस्तों जेई एडवांस के लिए भी ये बुक करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इट इज वर्थ डूइंग ठीक है चलो तो ये चीज होगी दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम लोगों ने बात कर ली है सेक्शन बी सेक्शन बी में दोस्तों कोशिश करें फिजिक्स और केमिस्ट्री करने की बाकी आप लोगों को दोस्तों देखो ये मैंने पहले ही बता चुका हूं एनएसईपी और एनएसईसी इन दोनों के पीवाई क्यू सारे करने हैं आप लोगों और आप इसको अलाइन कर लो ना इससे क्योंकि भाई इसमें भी काम आएंगे देखो 28 नवंबर को आप लोगों का पेपर है के है, मतलब एनएससी और एनएससीए का तो आप लोगों को देखो वैसे भी काम आएंगे अगर आप लोग ये करोगे तो सो आप लोग ये चीज ध्यान रखें ओके सब लोगों को क्लियर है क्या सब लोगों को क्लियर है क्या दोस्तों जल्दी बता दो एनएसपी एनएससी के क्वेश्चन करने आप लोगों को टोमेटो टोमेटो ऐसे में भी दोस्तों टोमेटो हेल्पफुल है अगर एलेवंथ क्लास के टॉपिक्स करोगे ना आप काफ़ी हेल्पफुल है काफ़ी हेल्पफुल है ठीक है काफ़ी हेल्पफुल है चलिए तो आप दोस्तों ए में कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोग बोल रहे थे सर थोड़ा सा लाइव आइए आप के वी के लिए तो जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो हम आपको दे सकते हैं सर क्या आपका आईएसआई कोर्स कर लें इससे मैंने कंप्लीट नहीं किया ना यार आईएसआई का कोर्स आईएसआई का कोर्स हम लोगों इसीलिए कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ़ दी सम बिकॉज ऑफ सम टाइम इश्यूज राइट टेंथ पढ़ रखी है बट याद किसको है बेटा जिसको कहीं पर ऐसे देना है उसको याद होगी जिसको नहीं देना है उसको नहीं है सर यूट्यूब से कर लें एस एक्स से देखो दोस्तों मैंने मेरा जो पूरा कोर्स है ना वो आप लोग कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइंड है मेरे हिसाब से तो किया जा सकता है सर एन एस सी जेस और एनएससीए दोनों दे सकते हैं क्या बच्चा पार्टी सीनियर और जूनियर ओलंपियाड दोनों नहीं दे सकते हो आप लोग आप जानते हैं नॉट अलाउड होता है एनएससीए अगर आप दे रहे हो तो एन एस नहीं दे सकते ऑल दो अगर आप एनएससी जे एस क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को एनएससीए का सेकंड स्टेज देने का मौका मिलता है सर टाइम कंस्टेंट होता है के में आराम से दे सकते हैं का टाइम कंस्टेंट होता है ऑब्वियसली बेटा सर अभी स्टार्ट कर रहे हैं कर रहे हो सकता है क्या पूरा देखो प्रयास करो अगर आप ऐसे के लिए प्रयास करोगे ना तो एस में सक्सेस हो गए पक्का अगर जैसे मान लो अभी तक तो कुछ नहीं कर करना था कुछ बच्चे के भी पे ऐसे में सक्सेसफुल हो जाएंगे सर हाउ टू स्कोर 130 प्लस इन एन स्टेज टू यार देखो एन स्टेज टू है ना ये बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है इसकी एन स्टेज वन में जहाँ वन एटी एट्टी कट ऑफ चला जाता है वहीं पर ही एन स्टेज टू में वन कट ऑफ गया इसका तो दोस्तों जो एन स्टेज टू की कहानी है ना वो बहुत ही डिफरेंट होती है और बहुत डिफिकल्ट होती है मेरा ये मानना है बच्चा पार्टी कि एन स्टेज टू पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए सोशल साइंस में तो सबकी बर्बादी है वो तो है ही मेंटल एबिलिटी में एक अच्छा स्कोर आना चाहिए तो वहां पे वो चीज थोड़ी दिमाग लगती है कपिल नायडू कैन यू प्लीज गिव योर रेकमेंडेशन ऑन एस एक्स मार्क्स ब्रेकअप सो सी लाइक माई रेकमेंडेशन लाइक आई बिलीव यू आर आस्किंग मी दैट हाउ शुड वी गो अबाउट हाउ शुड वी गो अबाउट फॉर लाइक सी लाइक योर सिक्सटी मार्क्स इन सेक्शन ए इज फिक्सड यू विल बी डूइंग आईदर पी सी एम और पी सी बी इन दास्ट फोर्टी मार्क्स ऑफ सेक्शन बी योर कॉम्बिनेशन विल बी दिस इफ यू आर अ जेई स्टूडेंट राइट Usually, students prefer this majority of these students. So, my recommendation is also this. But if you have a very good mathematical background, if your calculations are high like they are good, if your calculation speed is high, then you can go for this. This is second priority. This is usually not considered because physics is also lengthy, mathematics is also lengthy, in my opinion. So, this is my opinion, right? Clear. रैंक्स वर्सेस मार्क्स लास्ट ईयर एसिक्स बेटा देखो मैं आप लोगों के लिए ये जो लिस्ट है ना ये तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा बट पॉइंट ये है कि आप इस चीज को देखें कि आपको एवरेज रेंज आप लोगों को सोचनी है भाई टॉप टू में आने के लिए आप ये चीज समझें कि सेवनटी इज अ सेफ सेफ स्कोर बस ये चीज आप लोग ध्यान रखें ठीक है बाकी के यूपीआई में जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है ना अगर वो आई में नहीं गया तो आई आई में तो जाता ही है सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें आराम से 75 टू 80 मार्क्स में केवीपीवाई में से के थ्रू आई आई एस हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा टॉप 250 स्कोर एस और एस के अंदर इनको दोस्तों बेसिकली आई आई एस मिलता है राइट इन बच्चों को बेसिकली आई आई एस मिलता है राइट क्लियर स्टेज टू और पे अलाइन हो सकते हैं दोस्तों फिजिक्स के देखो अगर आप केवीपीआई की तैयारी कर रहे हो ना तो एन स्टेज टू की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो आप छोड़ सकते हो आप के प्रिपेयर करो अपने आप अलाइनमेंट आ जाएगा तो आपको फिर सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा दैट्स इट राइट सर आई एम इन गुजराती मीडियम सो कैन आई अप्लाई इज इन इंग्लिश नाउ भव्य इन माय ओपिनियन यू शुड गो फॉर इंग्लिश ठीक है टॉप हंड्रेड के लिए दोस्तों मतलब देखो जैसे पिछले साल है ना देखो टॉप हंड्रेड का कोई महत्व है नहीं आप इस चीज को समझे महत्व है टॉप टू फिफ्टी का अगर आपकी टॉप टू फिफ्टी में रैंक आई है तो महत्व है टॉप हंड्रेड का कोई महत्व नहीं है या तो फिर टॉप टेन का है जैसे पिछले साल है ना फर्स्ट रैंक तकरीबन शायद एट्टी पे आई थी मैं एक बच्चे को जानता हूं जिसके एट्टी मार्क्स थे और उसकी सिक्स रैंक थी कहीं पर ऐसे के अंदर मृणाल शरण आप लोगों को पता होगा तो 81 के करीब उसके मार्क्स थे दोस्तों तो मेरे हिसाब से 84 पे फर्स्ट रैंक थी ठीक है फिर क्या मार्क्स बहुत डेंस हो जाते हैं तो ये मेरा मानना है सेवनटी टू या सेवेंटी थ्री पे शायद टॉप हंड्रेड था सर आई हैव टू प्रिपेयर फॉर केवे ऐसे अन अकेडमी प्लस का कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन लूं देखो दोस्तों एक तो ना एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों अनअकेडमी का जेई सब्सक्रिप्शन पिछले साल भी इसी टाइम पे पिछले साल देखो थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड था इसका प्राइस से बढ़ के फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड हुआ अब ये वापस से वही टाइम आ गया दोस्तों द प्राइस इज गोइंग टू राइज प्राइस राइज इज गोइंग टू बी अनाउंस सून इसका मैं वीडियो भी करूंगा जिसको तुम डिसलाइक भी करोगे मुझे पता है बट इट इज वॉट इट इज इट इज गोइंग टू हैपन इट इज इनएविटेबल एवरी ईयर द प्राइज आर गोइंग टू राइज दिस ईयर ऑल्सो द प्राइज आर गोइंग टू राइज ठीक है पहली बात तो ये अगर आपको देखो अभी जैसे दो मंथ का एक बहुत तो स्पेशल प्रोविजन चल रहा है अगर आप केवल केवीपीवाई के लिए लेना चाहते हो ना

अगर केवल के के वी पी करना है तो ठीक है तो थ्री मंथ का स्पेशल सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं के वी पी के लिए पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कीजिए दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूँ भाई इसको आप लोग करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और आप लोगों को पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग शेयर मतलब मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो जाएगा पीवाई की यूज के जो कंटेंट है वो प्रोवाइड हो जाएगा उसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट है ना वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे बट फॉर दैट टू हैपन यू नीड टू टेक दिस ओके थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन लेके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए आज ही से कर सकते हैं आप लोग बहुत इमीजिएटली आप लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों थ्री मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो फिफ्टीन का पड़ता है तकरीबन ये कॉस्ट जितना मुझे याद है पीजी लाइव कोड यूज करने के बाद ठीक है यस संचित बिल्कुल सही बोल रहा है केवीपिया एसेक्स के अंदर ज्यादा स्कोर आने का रीजन यही होता है भाई केवीपिया एसेक के अंदर देखो बायोलॉजी होती है बायोलॉजी मार्क्स दे रहा है मगर एसेक्स के अंदर ज्यादा स्कोर होता है कट ऑफ भी इसी वजह से ज्यादा जाता है तो इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि केवीपे एसेक्स है ना उसमें आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा तो सिक्सटी मार्क्स में तो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप एसेक्स के अंदर टॉप टू सोचे ना टॉप टू तो आप लोगों को सेवेंटी मार्क्स इसके अंदर भी इसमें भी टॉप टू फिफ्टी में सेफ है मतलब कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं बच्चों के राइट right? आई आई में फ्यूचर है क्या दोस्तों आई में बहुत भयंकर फ्यूचर अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो के मतलब के बेसिकली यही है यार किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना तो किशोर अवस्था में आपको वैज्ञानिक बना दिया जाएगा आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा इस योजना द्वारा तो ये है ही रिसर्च के लिए यार ठीक है जॉब्स भी लगती हैं इसकी बहुत अमेजिंग जॉब्स लगती हैं ऐसी बात नहीं है ठीक है आई के लिए दोस्तों सेवेंटी मार्क्स पे आपका आपको आई मिल जाएगा आई एसएक्स के अंदर भी आई आपको ट्वेंटी सेवेंटी मार्क्स मिल जाएगा यू हैव टू टारगेट सेवेंटी क्लियर हो गया ठीक है सो दोस्तों आप सभी लोगों ने मुझे हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिखा सो थैंक यू गाइज आई आई हैव गॉटन सो मैनी विशेज सो गाइज बिलीव मी लाइक बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स राइट हम लोग का जो जितना सब कुछ चलता है ना वो सब आप लोगों की वजह से चलता है बस मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तों ठीक है बहुत सारी बार uh, मतलब एक छोटा सा मैसेज है टीचिंग uh, है ना इट इज नॉट अ जॉब ठीक है मतलब ये एक क्योंकि देखो जॉब का जो फीचर होता है ना जॉब मैं किस चीज़ को बोलता हूं जॉब जनरली एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ फिक्स टाइमिंग होता है ठीक है उस फिक्स टाइम के बाद आप बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ जीते हो और एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अमेजिंग होता है बट जो खासकर ऑनलाइन टीचिंग है ना जैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हूं ऑनलाइन टीचिंग इज अ वेरी हैक्टिक थिंग जॉब नहीं बोलूंगा मैं इसको इट्स अ लीडरशिप रोल इन माय ओपिनियन इट्स अ लीडरशिप रोल आप सोचो के का नोटिफिकेशन आता है वी हैव टू मेक स्ट्रैटेजीज मैं पूरी टीम को लगाता हूँ के वी पी वाई के मार्क्स टॉपिक वाइज एनालिसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स आप लोगों के लिए करते हैं मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट बहुत सारे टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सो गाइज बी ग्रेटफुल अबाउट दैट देर आर इंस्टेंसिस जहाँ पर बच्चे टीचर्स के एफर्ट को एप्रीशिएट ना करके बच्चे उनको क्रिटिसाइज करते किसी ना किसी रीजन से किसी ना बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्रिटिसाइज करते हैं और ये एक मतलब साइड इफेक्ट है uh, मतलब मैं तो ये मानता हूं कि एक साइड इफेक्ट है इस चीज का कि अब थोड़ा सा जो टीचिंग है ना ऑनलाइन टीचिंग उसको भी सेलिब्रिटी कल्चर के अंदर देखा जाने लगा है सेलिब्रिटी कल्चर जो होता है बेसिकली आप लोगों को पता है सेलिब्रिटी कल्चर के अंदर देखा जाने लगा है उसको आई डोंट नो वाई बट ऐसा हो रहा है ये रियालिटी ठीक है तो लोग कुछ भी करते हैं ना उसके एक्शंस रिएक्शंस दुनिया भर की चीज़ें होती हैं ठीक है जैसे मैं अपना अपनी अपने बारे में बात करूं तो बहुत बार मैं कुछ चीजें होती हैं जो नहीं पढ़ा पाता बहुत सारे रीजंस होते हैं भाई आईएसआई का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था बट किसी रीजन से मैं खत्म नहीं कर पाया सिमिलरली के वी का मैंने कोर्स खत्म किया केवीपीएसएक्स का इस साल खत्म करूंगा प्री आर एम में एक बार पूरा पढ़ा चुका हूं तो बच्चों की अलग अलग एक्सपेक्टेशं होती है फिर अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती ना तो वो क्या टीचर को ब्लेम करते हैं कि सर यू आर यू आर दिस टाइप ऑफ पर्सन यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन सो मैं बस ये चीज कहना चाहूंगा दोस्तों बी ग्रेटफुल ऑफ वॉट यू हैव वॉट यू आर गेटिंग बिकॉज बिलीव मी इन आर टाइम्स देर वॉज नो सच थिंग मतलब इस तरह की कोई भी चीज हमारे टाइम पर नहीं थी इतनी अवेयरनेस नहीं थी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इतनी सर्विस नहीं थी सो गाइज बी ग्रेटफुल अबाउट दैट सो थैंक यू गाइज फॉर विशिंग मी फॉर गुरु पूर्णिमा ठीक है टीचर्स डे पर भी आप लोग विश करोगे मुझे पता है ठीक है तो चलिए सो गाइज आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया सो आई कॉन्क्लूड सेशन हेयर राइट के और एस टाइम स्टैम्प गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज टाइम स्टैम्प डाल दे कि एसए का कब है एस एक्स का कब है इसमें ताकि जो भी रिकॉर्डेड देखें इस लेक्चर को उनके लिए बहुत आसानी हो जाए ठीक है सो थैंक यू गाइज आई होप आप लोग को मजा आया ये मेरा टेलीग्राम है जो मैंने बता रहा था ओके okay. सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर सो आप यू नो द ड्रिल भाई इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टाइन एल डॉट कॉम स्लैश जेई डीवी मैथ हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा ठीक है सो so, टेलीग्राम मैसेंजर गाइज uh, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को uh, ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है 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 इसका जो यूआरएल है, वो है, @pj यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई प्रियर एन टी एस सी एन एस एस जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके ठीक है फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं कॉम्बेट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं और वो अमेजिंग चीजें क्या है आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट है वो भी आप लोगों को मिलते हैं आज का डाउट फीचर का आप लोग यूज कर सकते हैं अकेडमी का आज का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है जहां पर आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं वन बाय वन आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें और फिर ये चीज बस ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके डोंट क्या है मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें एक के बाद एक ही डालें और ये गाइज मेरा अन अकेडमी का यूआरएल है एट द रेट प्रशांत फोर्टी टू जैन तो आप लोग इस पे मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं और गाइज सिंपल सी बात है एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अनअकेडमी का जो बेस्ट कॉन्टेंट है जो जे मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस करें सो गाइज लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म